आइए देखते हैं बिहार दरोगा सेट नंबर चौदह क्वेश्चन नंबर वन निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सिंधु नदी सरस्वती नदी गंगा नदी सतलज नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है इस वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार जबकि यमुना नदी का उल्लेख तीन बार हुआ है नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था यूनानियों द्वारा घुसाड़ो द्वारा ईरानियों द्वारा आर्यों द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरानियों द्वारा भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासकों ने किया था हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम ने किया था ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है बृहदत्त अशोक चंद्रगुप्त मौर्य उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है अल्ब्रोनी बर्नी उत्वी फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी शाहनामा के लेखक फिरदौसी था यह महमूद गजनवी के दरबार में रहता था शाहनामा फिरदौसी की सबसे पवित्र रचनाओं में से एक है दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध की शासक था तुगलक, बलवन अलाउद्दीन खिलजी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलवन दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध बलवन से था यह सैन्य विभाग से संबंधित था जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था नेक्स्ट किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था ए अकबर बी जहांगीर सी शाहजहां डी औरंगजेब इसका राइट आंसर नंबर बी जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दैन आंसर सती स्वामी विवेकानंद राम कृष्ण परमहंस केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद राष्ट्र राम कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में, गया नेक। में किया गया था नेक्स्ट द्वितीय गोल में सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था 7 सितंबर 1931 को 8 नवंबर 1931 को 12 नवंबर 1931 को चौबीस सितंबर 1931 को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सात सितंबर 1931 को किया गया था इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या विवाद के कारण असफल रहा था नेक्स्ट उन्नीस में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था बागलपुर जेल हजारीबाग जेल बांकीपुर जेल यरवदा जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाकीपुर जेल 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बाकीपुर जेल में रखा गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था राजेंद्र प्रसाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू बिनोवा भावे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिनोवा भावे अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत उन्नीस ईस्वी में किया था इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में बिनोवा भावे को चुना गया था नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी ए सोहन सिंह भक्ना बी बी डी सावरकर सी श्यामजी कृष्ण वर्मा डी देवेंद्र नाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी डी सावरकर मित्र मेला संघ की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहां हुआ था गया बाकीपुर रामगढ़ रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1900 बारह ईस्वी बांकीपुर पटना में हो किया गया था इसके अध्यक्षता आर एन के द्वारा किया गया था निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद कहा था केसी विहियर बी आर अम्बेडकर आइवर जेनिंग्स जी आइस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जी आइंस्टीन जी आइंस्टीन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था जबकि के सी बी ने भारतीय संविधान को अर्धस कहा था ने। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया उनसठवा उनहत्तरवा इकसठवा इक्यानवे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उन उनहत्तरवां संवैधानिक संशोधन उन्नीस के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया जबकि एक साठवा संवैधानिक संशोधन उन्नीस के तहत मतदा मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था उन्नीस सौ उनचास उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ पचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्नीस भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 सौ पचपन ईस्वी में पारित किया गया था भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल पांच तरह के तरीके होते हैं जन्म से वंश से पंजीकरण से देशीकरण से और भूमि अर्जन से नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17 संविधान का अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता ने छुआछूत चुग का उन्मूलन किया गया था इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत चुग का भेदभाव एक दंडनीय अपराध होगा राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से अपने निर्वाचन की तारीख से अपने पद ग्रहण के दिन से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपने पद ग्रहण के दिन से अनुच्छेद 56 के 1 में वन के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो चौदहवें राष्ट्रपति हैं नेक्स्ट अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गृह मंत्री मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं जैसे नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय एकता परिषद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है नेक्स्ट वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की कितनी संख्या है छ आठ दस पंद्रह है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दस संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है वर्तमान समय में इसकी संख्या दस है भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना उन्नीस ईस्वी में की गई थी निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश उपाध्यक्ष उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष पद का शपथ नहीं, नहीं लेता है लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है नेक्स्ट भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था नियम में से किस सूची का विषय है संघ सूची समर्थी सूची राज सूची उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी राज सूची भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था राज सूची के विषय हैं वर्तमान में इस सूची में टोटल इकसठ विषय हैं जबकि मूलतः इसमें पहले छाछ विषय थे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था नागालैंड असम मिजोरम हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम को सर्वप्रथम उन्नीस सौ ईस्वी में असम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वर्तमान में ग्यारह राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है नेक्स्ट दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है सातवीं अनुसूची आठवीं अनुसूची नौवीं अनुसूची दसवीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दसवीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरताओं के बारे में उपबंध संविधान के दसवीं अनुसूची में वर्णित है इस अधिनियम को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वर्ष उन्नीस सौ पचासी ईस्वी में पारित किया गया था नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था तेरह दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस बाईस जनवरी उन्नीस सौ दिसंबर नौ 29 उन्नीस सौ छियालीस उनतीस अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाईस जनवरी उन्नीस को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे संविधान सभा के द्वारा बाईस जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है जापान ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से निम्न प्रावधान किए गए एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली विधि का शासन निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है सूत निर्माण पशुपालन फसलों की खेती विद्युत इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग है जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार परिवहन बैंकिंग होटल आदि आते हैं अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है विनिर्माण उपयोगिता कस्तकारी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपयोगिता वो उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है मानवीय आवश्यकताओं के संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना उत्पादन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारण यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है सी आर आई एस आई एल आई एफ सी आई आई सी आर ए केयर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी हो जाएगा से सभी साख निर्माण करने वाली संस्था है केयर एक मानवीय संस्था है जो विश्व में गरीबी के विरुद्ध कार्य कर रहा है नेक्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की समिति के सिफारिश पर की गई थी शिव रमन समिति अशोक मेहता समिति नरसिंह समिति उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नर्सिंगन समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नर्सिंगन समिति के सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था नेक्स्ट में कंपनी गेल स्था की स्थापना कब की गई थी 1964 1975 1984 1989 गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में सी में किया गया था इसका मुख्यालय दिल्ली में है कुछ जैसे सेल सेल का 1973 में उसके ओएनजीसी के 1956 ईस्वी में उसके बाद एनटीपीसी 1975 में आईओसीएल का 1959 ईस्वी में किया गया था नेक्स्ट विश्व परिषद साष्टम झील किस राज्य में है स्थित है उड़ीसा केरल पंजाब तमिलनाडु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल में साष्टम झील केरल राज्य में स्थित है इस झील को रामसर आद्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है वर्तमान में मार्च 2021 तक भारत के 42 क्षेत्र रामसर सूची में शामिल है नेक्स्ट किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था उन्नीस सौ बावन उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ अस्सी उन्नीस सौ छियासी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्नीस सौ बहत्तर उन्नीस सौ बहत्तर में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था पर्यावरण से संबंधित है वन संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ अस्सी में पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस सौ छियासी में पारित किया गया था नेक्स्ट बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है असम पंजाब मणिपुर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं बाल राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है मेघालय राज्य में, राज में स्थित है नोकरेग राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है जो बाघ तथा हिरण से संबंधित है नेक्स्ट भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है रांची देहरादून कोलकाता नई दिल्ली इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसकी स्थापना 1916 सौ सो ईस्वी में किया गया था विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है 21 जून 13 अक्टूबर 5 नवंबर, 22 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अक्टूबर को जबकि वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स्ट खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है असम उत्तराखंड पंजाब तमिलनाडु इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर उत्तराखंड खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति जौसारी बुक्सा थारू आदि प्रमुख है नेक्स्ट काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है ब्यास नदी तावा ताप्ती चिनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती काकरा पड़ा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है ने? डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न से किस राज्य में स्थित है मेघालय अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश डफला अबोर मिरी तथा मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है टू प्वाइंट टू फोर प्रतिशत सेवन पॉइंट फाइव प्रतिशत सत्रह पॉइंट फाइव प्रतिशत उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका है टू फोर टू प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का टू पॉइंट फोर टू प्रतिशत है क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का सातवा सबसे बड़ा देश है भारत का क्षेत्रफल बत्तीस सतासी तिरसठ वर्ग किलोमीटर है नेक्स्ट निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं बारह सोलह सत्रह उन्नीस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्रह भारत के कुल सत्रह राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के नौ राज्य समुद्र से लगे हुए हैं नेक्स्ट कोरिया जल संधि किसे किसे जोड़ती है इंडोनेशिया को मोरक्को से जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जावा सागर को सेलिबोज सागर से फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी <coughs> इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरिया जल संधि जापान सागर तथा तो पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है जबकि हार्मोस जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है नेक्स्ट किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया उत्तरी अमेरिका अफ्रीका अर्जेंटीना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है विश्व के प्रमुख घास के मैदान जैसे ऑस्ट्रेलिया में डाउंस ब्राजील में कैम्पॉस उत्तरी अमेरिका में पियरी दक्षिण अफ्रीका में वेल्स नेक्स्ट जापान का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है नागोया ओसाका टोक्यो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारे है नागोया जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है नेक्स्ट हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है लघु हिमालय ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय शिवालिक हिमालय इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्रांस ट्रांस के प्रमुख घाटियां जैसे नुब्रा सिंगार हुजा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है बी मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं सी लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं डी ना तो लावा में और ना ही मैग्मा में होती है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी 2014 2015 2016, 2018 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2016 में कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2016 को किया गया था इसका उद्देश्य नवप्रवर्तक और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था नेक्स्ट रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है बियना मेड्रिड दहेग जेनेवा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दहेग में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय दिहेग में इसका स्थापना उन्नीस सौ ईस्वी में किया गया था इसका उद्देश्य हथियारों के भंडार प्रयोग को रोकना था किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उन्नीस सौ इकहत्तर उन्नीस सौ इक्यासी उन्नीस सौ संतानवे दो हजार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दो हजार छः में किरण देसाई को दो हजार छः में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द हेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था नेक्स्ट मोहन कप का संबंध किस खेल से है गोल्फ ब्रिज पोलो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलो से राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप निम्न है जैसे एजार कप क्लासिक कप राधा मोहन कप आदि प्रमुख है नेक्स्ट बाउल तथा जात्रा लोक नीत का संबंध किस राज्य से है असम पंजाब राजस्थान पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल से बाउल जात्रा लोक नीत का संबंध पश्चिम बंगाल से है जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से दो संख्याओं का अनुपात फाइव एस टू सेवन है तो उसके मौसम तैंतीस है तो उसका लसक क्या होगा मास तैंतीस है तो मास तैंतीस है संख्याओं का अनुपात फाइव इंटू थ्री है तो पहली संख्या तो पाँच गुड़े तैंतीस एक सौ पैंसठ दूसरी संख्या बराबर सात गुड़े तैंतीस बराबर दू सौ इकतीस तो लस और मस का अनुपात दू सौ इकतीस गुड़े एक सौ पैंसठ बटा तैंतीस कार्ड देने के बाद ग्यारह सौ पचपन आएगा नेक्स्ट सोलह प्रतिशत लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य चार सौ पैंतीस रुपया था यदि वस्तु को तीन सौ तीस में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा वस्तु का क्रय मूल्य चार सौ पैंतीस है तो चार पैंतीस गुणे सौ बट्टा एक सौ सो सोलह बराबर तीन सौ पचहत्तर रुपया यदि वस्तु को तीन सौ तीस में बेचा जाता है तो हानि तो तीन सौ पचहत्तर माइनस तीन सौ तीस बटा तीन सौ पचहत्तर गुने सौ काटने के बाद आ जाएगा बारह प्रतिशत धन राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया दो वर्षों के लिए चार प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि तीन सौ अड़तीस हो जाती है तो धन राशि ज्ञात करें इसको मान के बनाना पड़ेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट राजा के पिता राजा से तीन गुना बड़े हैं दस साल पहले राजा के पिता की आयु राजा की आयु से सात गुनी थी तो राजा की वर्तमान आयु क्या होगी माना कि राजा की आयु एक से इसलिए राजा के पिता की आयु थ्री एक्स है इसको मान के तो राजा के मान ली सात एक्स माइनस टेन इंटू बराबर थ्री एक्स माइनस टेन इसको गुना करेंगे तो सात एक्स माइनस सत्तर बराबर तीस माइनस दस फोर एक्स बराबर चार पंद्रह एक्स बराबर पंद्रह नेक्स्ट यदि एक वृत्तकार भूखंड का परिमाप एक वर्गाकार भूखंड के परिमाप के बराबर है तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा तो वृत्त का परिमाप वृत्त का परिमाप यानी वर्ग का परिमाप तो टू पाई आर बराबर फोर है तो क्षेत्रफल तो ये निकाल देंगे तो ये बराबर पाई आर बटा टू हो जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इसको करेंगे तो चौदह हो जाएगा स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के परिवर्तन से प्रकाश के अपवर्तन से विद्युत चुमकिया प्रेरणा से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर अभिलंब एक समतल में होते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश आयतन कोड की जैन साइन का तथा अपवर्तन कोड की जैक अनुपात नियतांक होता है नेक्स्ट और को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की के दिए गए कोड को प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए क्यूसेक हो जाएगा जल की परवाह की दर परवाह की दर उसके बाद बाइट बाइट डिटेल सूचना की इकाई दू के चार कंप्यूटर रिएक्टर रिएक्टर हो जाएगा आपका भूकंप तरंग का मापन तो भूकंप तरंग का मापन हो जाएगा थ्री नंबर अब बार बराबर दाब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट उस बल का मान बताइए जिसके परिणाम से दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच अप्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है संपर्क बल पेशीय बल यांत्रिक बल घर्षण बल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपर्क बल दो परस्पर प्रभावी अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने वाली वस्तु के बीच कार्यरत बल को संपर्क बल कहते हैं किसी वस्तु को खींचने से इसमें उत्पन्न तनाव या घर्षण आदि प्रमुख बल के नेक्स्ट कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है टेनिन निकोटीन कैफीन उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैफीन शीतल पेय या कोल्ड ड्रिंक जैसे कोका कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है निकोटीन तमाकू की पत्तियों में उपस्थित होता है नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु के नाभिक के अवय हैं पोट्रॉन और न्यूट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन सी इलेक्ट्रॉन और पोट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पोट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और न्यूट्रॉन परमाणु द्रव्य का सूचतम कण होता है जिसमें द्रव के गुण विद्यमान रहते हैं परमाणु के नाभिक में पोटान और न्यूट्रॉन रहते हैं पोटान पर न्यूट्रॉन पर कोई नहीं होता है जल के अणु में कौन सा संघटक होता है एस पी sp sp के क्यू डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस पी के पावर क्यू जल एस टू की आकृति जैसी होती है आकृति होने कारण के केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पर दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इन अणु में एस पी के क्यू संस्करण पाया जाता है नीन में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है ट्रिटियम जर्कोनियम फ्रेंसीियम एस्टेटाइट टाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्कोनियम टाइट फ्रेंसियम, ट्रेट्रियम, रेडियो सक्रिय तत्व है लेकिन जर्कोनियम जर्कोनियम को जेड आर से सूचित किया जाता है रेडियो सक्रियता के गुण नहीं पाए जाते हैं रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक और होते हैं उनमें बिना किसी बाहरी कारक के विघटन का गुण होता है नेक्स्ट निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलेनियम किस वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण कम होता है उपयुक्त तत्वों में से विद्युत चालक के है। पदार्थ का प्रमाणित तो सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था जॉन जेजे थॉम्सन बोर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन। पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था नेक्स्ट िसिसिस में परिवर्तित होता है प्रोटीन ग्लूकोज में ग्लूकोज प्रेक्ट्रोज में मंड ग्लूकोज में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज पायुर्विक अम्ल में नेक्स्ट कोशिका में ग्लूकोज का आक्सीकरण कहां होता है कोशिका द्रव्य माइट्रोकंडिया राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकॉन्डिया कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीजन माइट्रोकॉन्डिया में होता है इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका द्रव में नब्बे प्रतिशत जल एवं दस प्रतिशत खनिज लवण कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आदि पाया जाता है नेक्स्ट पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टिओं में से कौन सा मुख्य जलीय है ब्रायोफाइट सेवाल टेरिडोफाइटा अनावीरती बीजी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेवाल पादप जगत में सेवाल जलीय है सेवाल के जननांग एक कोशिकीय होते हैं सेवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं नेक्स्ट परिपक्व दृढ़ोतक कोशिकाओं में ए सेलुलोज भीति होती है और वे जीवित होती हैं। बी काष्टीय और वे जीवित होती है सी होती है और ये मृत होती है डी होती है और ये मृत होती है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी काष्टीय होती है और मृत होती है नेक्स्ट पेंसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है जीवाड़ी में कोशिका भीति का निर्माण जीवाणु में आरएनए संश्लेषण जीवाणु में डीएनए संश्लेषण जीवाणु में विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवाणु में आरएनए संश्लेषण प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ का यौगिक है जो परमाणु को मार डालता है एवं उसमें आरएनए का संश्लेषण को रोकता है पेंसिलिन की खोज 1928 सौ ईस्वी में अलेक्जेंडर फेमिलीन के द्वारा किया गया था नेक्स्ट एंटीड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है अधिविक्रिक उलकूट अधिविक्रिक मेंडुल पूर्ववर्ती प्यूसिका पीयूसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीयूसी का पीयूष ग्रंथि एक अंत श्राविक ग्रंथि है जिसका आकार मटर के दाने जैसा होता है यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथेलमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार है इसे मटर ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इसी ग्रंथि से निकलती है नेक्स्ट नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है लाइसोसम माइट्रोकंडिया गालजीवकरण तारक केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकंडिया माइट्रोकंडिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तो तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है प्रत्येक कोशिका में माइट्रोकॉन्डिया की संख्या भिन्न होती है निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रदाय प्रणाली है सपैथिक तंत्रिका पर तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन तंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर मेरुदंड कितनी हड्डियां होती है पंद्रह इक्कीस तैंतीस, तीस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तैतीस मेरुदंड में तैंतीस हड्डियां होती है ग्रीवा करारूगा में सात वक्ष प्रदेश में बारह कमर में पांच कटी प्रदेश में पांच सीजियल में चार कुल मिलाकर तैतीस नेक्स्ट केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है पत्ती बाह्य दल वर्ती काग्र पंखुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ती फूसफूस धूलमिया से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं चर्म उद्योग में कोयला खनन उद्योग में मधु उद्योग में सीसा उद्योग में इसका राइट ऑप्शन नंबर बी कोयला खनन उद्योग में सांस लेने में परेशानी खांसी और सिर में दर्द यह फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान करता है नेक्स्ट जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बनाए गए हैं सुनील कुमार शर्मा सुजीत शर्मा सुनीत शर्मा सुधीर शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनीत शर्मा ने हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेडो का भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं तिरसठवा पैंसठवा चौसठवा सड़सठवा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चौदह साल के लियोन में सड़सठवे ग्रैंड मास्टर बने हैं किसे देश ने वर्ष दो हजार इक्कीस में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है ब्रिटेन न्यूजीलैंड जापान ऑस्ट्रेलिया इसका राइट ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है नेक्स्ट ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है गेरेंसन, गैरसन स्टीवन प्राइस मैथुन मेकाघे टॉम्स क्रूज इसका राइट ऑप्शन नंबर सी मैथु मेकाघे नेक्स्ट भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है भुवनेश्वर राउरकेला जयपुर पटियाला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राउरकेला में नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है पराक्रम दिवस आजाद दिवस वीर दिवस शहादत दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पराक्रम दिवस स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तेईस जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस मनाया जाता है हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है हरियाणा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उड़ीसा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड उत्तराखंड में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है सूर्यधार झील पाँच मीटर लंबी 28 मीटर चौड़ी 10 मीटर गहरी जिसकी क्षमता सतहत्तर हजार क्यूबिक्स मीटर है नेक्स्ट प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है मणिपुर नागालैंड असम त्रिपुरा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असम है असम के डिब्रूगढ़ में किया गया है पूर्वोत्तर नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है गुजरात मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात गुजरात द्वारा महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है यह योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की शुरुआत की गई है नेक्स्ट किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया है द डिस परवास हिरकर्णी नाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है यू ओमान बरिन कतर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूए अरब देश खाड़ी में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अमरात में किया गया ने अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास सीटमैक्स 2020 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाला देश है भारत सिंगापुर म्यांमार भारत सिंगापुर इंडोनेशिया भारत सिंगापुर थाईलैंड भारत सिंगापुर श्रीलंका इसका राइट ऑप्शन नंबर सी भारत सिंगापुर थाईलैंड पंद्रहवें वर्चुअल जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के निम्न में से किस देश के द्वारा की गई है अमेरिका भारत यूएई सऊदी अरब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है झारखंड उत्तर प्रदेश बिहार गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार फाइबर योजना का शुरुआत बिहार राज्य में किया गया है नेक्स्ट नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे समाजशास्त्री अर्थशास्त्री गीतकार अभिनेता इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिनेता सौमित्र चटर्जी प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता निर्माता निर्देशक लेखक व कवि थे उन्हें वर्ष दो हजार किया गया था केंद्र सरकार द्वारा वर्ष दो हजार चार में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था नेक्स्ट कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स दो हजार इक्कीस में भारत का स्थान क्या रहा पैंसठवा छियासी अंठानवे एक सौ दो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी छियासी में भारत का स्थान छियासीवें रहा प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड तथा दूसरे स्थान सेंगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है इटली इंडोनेशिया जापान इक्वाडोर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर इक्वाडोर में स्थित सेंगे ज्वालामुखी मार्च दो में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा विश्वभर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों दिस में एक यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है नेक्स्ट दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को कीड ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है ग्रेटा थनबर, शिवानी सिंह लिसी प्रिया कंगूजमन गीतांजलि राव इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि राव भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए कीड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेंट सेवा मोबाइल ऐप की शुरुआत किया गया है दक्षिण रेलवे पश्चिम रेलवे एयर इंडिया पूर्वोत्तर रेलवे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण रेलवे सितंबर 2020 में दक्षिण रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ावा हेतु फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया रेल टैक्स सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा शेरों के संरक्षण मानव हाथी टकराव पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानव हाथी टकराव पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा मानव हाथी टकराव को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों से निपटान का प्रबंध भी करेगा ने हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया नायक दीपक विनोद कुमार संतोष बाबू संजीव कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतोष बाबू को महावीर चक्र पुरस्कार करनर संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया महावीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है नेक्स्ट 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल भूटान इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बांग्लादेश इस वर्ष बांग्लादेश की सेना टोकरी ने पहली बार गणतंत्र दिवस पर समारोह में हिस्सा लिया था टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं हनीफा इलियट पेज तासुबा आनंद उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलियट पेज आस्कर नामित अभिनेता इलियट पेज टाइम्स मैगजीन के कौवर, फ्रंट कवर पर आने वाले पॉले ट्रांसजेंडर बन गए हैं नेक्स्ट विश्व सांस्कृतिक मंच द्वारा हजार सम्मेलन का देखता कौन सा देश करेगा भारत ब्रिटेन रूस और नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन विश्व सांस्कृतिक मंच दो हज़ार इक्कीस का आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा विश्व सांस्कृतिक मंच दो हज़ार इक्कीस सम्मेलन की अध्यक्षता लंदन के मेयर सादिक खान करेंगे जबकि भारत की तरफ से प्रधान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे नेक्स्ट अरविंद केजरीवाल करेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है सोलह सितंबर सत्ताईस सितंबर तीस सितंबर उनतीस सितंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्ताईस सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस सत्ताईस सितंबर को मनाया जाता है इसकी शुरुआत उन्नीस इस सौ अस्सी ईस्वी में संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था थैंक यू फ्रेंड्स अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें